जय भोले बाबा जी की। हाँ जी सर श्री अमरनाथ यात्रा यूट्यूब चैनल पर यात्रा के अपडेट को लेकर और यात्रा से जुड़ी अन्य जानकारियों को लेकर भक्तों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं। तो यात्रा से की अपडेट और उससे जुड़ी एक अपडेट मतलब कंप्लीट वीडियो बना देते हैं, जिससे कि भक्तों को सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, जो अभी तक के भक्तों के क्वेश्चन है मन में है ना, हाँ जी, इसके ऊपर तीस ना। से 25 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने, तो अच्छा, आप उनकी जानकारी दे दीजिए हाँ, तो भक्तों जो भी को। भक्त ये वीडियो देख लेंगे उनकी संपूर्ण जानकारी उनको मिली जाएगी और फिर नया अपडेट हम डालते रहेंगे। तो भक्तों से हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को पूरा सुने है ना, और अधिक से अधिक शेयर करें, और फिर भी मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और जो ठीक भक्त पहले यात्रा पे जा चुके हैं, अगर उनको कमेंट का रिप्लाई पता है तो उनके जवाब देके भी आप उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। शुरू करें। हाँ जी हाँ जी पूछिए। सर, तो जो सबसे पहला सवाल है वो यात्रा की डेट मेडिकल और रजिस्ट्रेशन को लेकर है, कि उसके बारे में श्राइन बोर्ड का अभी तक कोई अपडेट आया है या नहीं। देखिए, जो पहले एक न्यूज आई थी ना कि यात्रा 29 जून से लेके 19 सितंबर तक चलेगी, हाँ जी। उसी के ब्याह पे हमने भी अपने टिकट 28 जून के बुक करा लिए हैं, और वही डेट हम मान के चल रहे हैं अभी। लेकिन फिर भी हमें हमेशा, हम क्या करते थे, श्राइन बोर्ड का अपडेट आने के बाद ही अपना प्रोसेस शुरू करते थे। पर पिछली बार भी क्या हुआ कि ट्रेन की टिकट बुक हो जाती है, फिर यात्री, चलो दिल्ली से जाने वालों को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यात्री अदर स्टेट से आ रहे हैं उनके लिए बड़ी परेशानी थी, उनके काफी कॉल आ रहे थे हमारे पास, तो फिर हमने इसलिए अपनी टिकट बुक करा ली है। लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं है यात्रा को लेके, ना ही डेट्स को लेके है, ना ही मेडिकल को लेके है, ना ही रेस्टोरेंट को लेके है, ठीक है। ठीक है। हाँ तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, जैसे भी कोई भी अपडेट आएगा उस पर हम वीडियो बना के फटाफट YouTube चैनल पे शेयर कर देंगे, ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ जी, सर, जो दूसरा सवाल है वो ट्रेन टिकट को लेकर है। काफी सारे यात्री पूछ रहे हैं कि ट्रेन टिकट अभी हम बुक करवा लें या नहीं अभी अपनी। करवा लीजिए, क्योंकि यात्रा तो होनी है वैसे, पूरी उम्मीद है, और नहीं करवाएंगे तो बाद में टिकट नहीं मिलेगी तो वैसे परेशानी पड़ जाएगी। तो हमने तो अपनी टिकट्स करवा ली हैं, और अगर आप करवाना चाहें तो आप भी करवा सकते हैं, ये अब आपका फैसला है। बाकी हमने करवा ली है और हम ये कहेंगे कि करवा लीजिए, अगर कुछ आगे पीछे भी डेट का होता है तो आप उसमें, मतलब अपना आगे पीछे होता है डेट का तो आप अपना कैंसिल करके दूसरी टिकट करा सकते हैं, वैसे ऐसे चांस बनेंगे नहीं, क्योंकि आप 5 या 1 जुलाई के आसपास की टिकट बुक कराएं तो उससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, सर, जो अगला सवाल है वो यात्रा की एज लिमिट को लेकर है, कि यात्रा के लिए एज लिमिट क्या रहती है। हाँ जी, पिछली बार भी इस पे काफी कॉल भी किए थे लोगों ने श्राइन बोर्ड में, कि 75 थी, फिर 73 कर दी, फिर 70 कर दी, तो एज लिमिट बढ़ानी चाहिए। लेकिन अभी तक, जब तक यात्रा की डेट नहीं आएंगी और कोई गाइडलाइन नहीं आएंगी, जब तक इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, पिछले सालों के मुकाबले बच्चों की तो 13 साल से ऊपर ही है अभी तक ना, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो शुरू से ही 13 साल से ऊपर है, कि 13 साल से बड़ा बच्चा ही यात्रा पे जा सकता है, और ऊपर मैक्सिमम लिमिट 70 का रखी है उन्होंने, तो 13 से 70 साल अभी मान के चलते हैं जब तक कोई नया अपडेट नहीं आता है। ठीक है जी। हाँ जी, सर, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन पर क्या यात्रा के लिए सिम मिल जाती है। हाँ जी, मिल जाती हैं, वहाँ पे काउंटर लगा के बैठे होते हैं बाहर ही, दो तीन, हाँ पिछली बार भी 2-3 लोग बैठे होते हैं, वहाँ मिल जाती है यात्री सिम, मिल जाती है। ठीक है जी। सर, जो अगला सवाल है वो है कि यदि हम जय भोले जी की सेवा समिति के साथ यात्रा पर जाएंगे तो हम समिति को कहाँ कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप समिति को या तो दिल्ली में या फिर जम्मू में हमारी ट्रेन में चढ़कर, जैसे बॉम्बे वाले आते हैं तो जम्मू में हमारी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे या उधमपुर में, बस तीन ही जगह ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहलगांव में ज्वाइन करेंगे, तो पहलगांव में तो सभी मिल जाते हैं। समिति को ज्वाइन करने का मेन पर्पज ये है कि हम लोग जो बस की बुकिंग करते हैं उसके लिए हमें लिस्ट और कैप और आई कार्ड और वो टैग वगैरह बनाने पड़ते हैं, ताकि किसी का बैग मिसमैच ना हो और वो सब चीजें ना हो। बाकी पहलगांव में तो सभी लोग होते हैं, तो फिर इकट्ठे ही यात्रा करते हैं वहां से, पहलगांव से, तो ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। और हाँ सर, जी, ये अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि हम बालटाल रूट से जा रहे हैं तो क्या हम पहलगांव रूट से वापसी यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप बालटाल से जा रहे हैं तो पहलगांव से वापस आ सकते हैं, और पहलगांव से जा रहे हैं तो बालटाल से वापस आ सकते हैं। जाने का परमिट होता है, आने का कोई परमिट होता है, आते समय आप किसी भी रूट से और कितने भी दिन में आ सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो है कि हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। नहीं जी, हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए सिर्फ आपको मेडिकल कराना जरूरी होता है। ठीक है जी। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कटरा रेलवे स्टेशन पर क्या यात्रा के लिए RFID कार्ड बन जाते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पे,
कटरा में तो मुश्किल है, कटरा पे नहीं बनते हैं जहां तक मेरा अंदाजा है, जम्मू में बनते हैं, उधमपुर में बनते हैं, कटरा में नहीं बनते। पहलगाम और बालटाल में? पहलगाम और बालटाल में बनते हैं, वह तो पहलगाम में, बालटाल में एयरपोर्ट भी सुना था पिछली बार बन रहे हैं, पंथा चौक में बनते हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें तो जम्मू और उधमपुर में, अब तो उधमपुर का नाम चेंज हो गया है लेकिन उधमपुर स्टेशन पे बनते हैं, जम्मू और उधमपुर स्टेशन में, कटरा में नहीं बनते होंगे शायद। ठीक है जी हाँ जी सर। जो अगला सवाल है वो है कि क्या ग्रुप रजिस्ट्रेशन गर्भवती यात्री निवास में हो जाते हैं? नहीं, ग्रुप रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं होता है, ग्रुप रजिस्ट्रेशन आप अपने स्टेट से जितने लोग आपके जाने वाले हैं उन सबका डिटेल्स बना के, वो हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है उसमें आप दे सकते हैं, ग्रुप रजिस्ट्रेशन वहाँ जाके नहीं होता है, पहले से करा के जाना होता है आपको। ठीक है जी। हाँ जी अगला जो क्वेश्चन है वो है सर कि जम्मू से बालटाल या पहलगांव के लिए क्या ट्रेन सर्विस अवेलेबल है? जम्मू से पहलगाम के लिए तो नहीं है, श्रीनगर सुना है, अनंतनाग सुना है अभी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है उसका, सुनने में आ रहा है यात्रा तक चालू हो जाएगा तो जैसे ही उसके रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी कि यात्रियों को ट्रेन की सुविधा कहाँ तक मिल सकती है और ट्रेन से यात्री कहाँ तक जा सकते हैं उसके हम कंप्लीट वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है जी। सर अगला जो सवाल है वो है कि अभी तक भक्त पूछ रहे हैं कि मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन अभी से हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रख सकते हैं जिससे कि तुरंत मेडिकल और रजिस्ट्रेशन हम करवा सकते हैं? अपनी 6 फोटो आप आधार कार्ड अपना संभाल के रखिए, अपना बीपी वगैरह चेक करा सकते हैं, शुगर चेक करा सकते हैं बाहर जाके किसी भी डिस्पेंसरी वगैरह में, अगर वो अप डाउन है तो आपको पहले पता चल जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट करके आप जिस समय मेडिकल होगा तो अपनी उस समय ये आप अपना आपको चेक हो जाएगा पहले से, तो आपको पता रहेगा कि मेरी शुगर में प्रॉब्लम है या मेडिकल में प्रॉब्लम है, तो आपको आसानी रहेगी। तो सर बीपी जैसे लास्ट ईयर वो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म तो शायद अभी नहीं भरना होता है ना, तो उसके लिए भी फोटो चाहिए होगी? बायोमेट्रिक देखिए फोटो तो आपके काम आई जाएंगी बना के रख लेंगे तो, और मेडिकल पे तो फोटो लगनी है, मेडिकल थोड़ी बायोमेट्रिक है, हाँ जी आपने मेडिकल का पूछा था ना, तो हाँ मेडिकल मेडिकल वाला ही। मेडिकल बायोमेट्रिक नहीं है, तो मेडिकल के लिए आप कम से कम 6 फोटो खिंचवा के रखिए, एक तो मेडिकल फॉर्म पे लग जाएगी और हो सकता है इस बार दोबारा कुछ रूल चेंज हुआ या कुछ चेंज हुआ तो आपकी फोटो काम आ जाएंगी, एट ए टाइम यही चीजें होती हैं आपके आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो बीपी ब्लड ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए, ब्लड ग्रुप की जांच करवा के रख लीजिए, उसकी बना के रख लीजिए, तो ब्लड ग्रुप तो कभी चेंज होगा नहीं आपका, बीपी शुगर तो अप डाउन होता रहता है लेकिन ब्लड ग्रुप कभी चेंज नहीं होगा, तो ब्लड ग्रुप के बिहार पे आपको डॉक्टर ब्लड ग्रुप पूछते हैं उस टाइम पे कि आप ब्लड ग्रुप की जांच कराएं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आपको उससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। सर जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ऑन स्पॉट हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाती है क्या? ऑन स्पॉट हेलीकॉप्टर की टिकट मिल जाती है, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है तो शुरू के दिनों में मिलनी मुश्किल होती है क्योंकि उस समय भीड़ भाड़ होती है और मैक्सिमम यात्री शुरू में यात्रा करते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम यात्री शुरू के दिनों में यात्रा करते हैं तो उस समय मिलनी मुश्किल होती है, लेकिन बाद में आपको मिल जाएगी, बाद में भीड़ कम होती है तो मिल जाती है आसानी से। ठीक है जी। सर जो अगला क्वेश्चन है वो है कि यात्रा के लिए जो मेडिकल हम कराते हैं उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? उसमें मैडम डॉक्टर के ऊपर है कि डॉक्टर आपके कौन कौन से टेस्ट करना चाहेंगे, वैसे नॉर्मली आपका बीपी चेक होता है, शुगर होता है, एक्सरे होता है, बाकी आपके आपके हाथ पांव देखे जाते हैं सही है कि नहीं है, या पहले आपको पूछा जाएगा कोई बीमारी तो नहीं थी, हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज कोई नहीं है, वो सब पूछा जाता है और उसी के बिहाफ पे डॉक्टर फिर फीडबैक लेने के बाद अगले टेस्ट आपके करते हैं। ठीक है जी। बाकी कुछ कुछ बाकी कुछ हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि पैकेज बनाया होता है कि बहुत सारे अमरनाथ यात्री आएंगे तो 4 पैसे कमा लेंगे, तो 5-5, 6-6 हज़ार के पैकेज बना के भी वो फिर आपके सारे टेस्ट एंजियोग्राफी और ये सब इको वीको सब करते हैं वो, तो वो तो अलग बात है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, उनका अलग वो है, पर इतनी जरूरत नहीं है इन सब टेस्टों करने की, सिंपल आपका नॉर्मल टेस्ट से ही आपका मेडिकल हो जाता है, तो कोशिश करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएं या ऐसी जगह कराएं जहाँ आपके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। ठीक है। हाँ जी। सर जो अगला जो सवाल है वो है क्या बाबा जी की पवित्र गुफा के अंदर हम सॉक्स पहन के जा सकते हैं या नहीं? जी हाँ, ठंड काफ़ी होती है, आप सॉक्स पहन के भी जा सकते हैं, जो खिड़ौने होती हैं अपनी लकड़ी वाली वो भी पहन के जा सकते हैं, बाकी जूते चप्पल अलाउड नहीं है, प्लास्टिक के वो भी मिलते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, मोजे टाइप ना जिसमें पानी नहीं जाता, वाटर प्रूफ टाइप की जुराबें होती हैं, वो भी पहन के जा सकते हैं, पर देख लीजिएगा इस तरह की लें कि जो स्किट ना हो, वैसे तो बाबा जी की गुफा में अब वो मैट बिछा दिए गए हैं जिसमें
आपका डायरेक्ट आप जमीन से टच नहीं होते हैं तो मैट पे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे ठंड लगनी है बहुत कम हुई है। ये सब बातें आज से 6-7 साल पहले थी, जब बाबा जी गुफा में आपको सीधा फर्श पे खड़ा होना पड़ता था, तो फर्श पे जो ठंडा पानी आता था उसकी वजह से ठंड लगती थी। अब तो वहाँ पे मैटिंग कर दी गई है, लकड़ी लगा दी गई है ऊपर चढ़ के दर्शन करने, तो इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी आप जुराब पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। ठीक है जी। सर जो अगला सवाल है वो है, क्या भगवती यात्री निवास में हम हमारा टिकट किसी अन्य यात्री द्वारा भी ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हैं। जैसे मैं लाइन में लगा हूँ तो मुझे कहा कि 5 टिकट ले लेना, तो सबको लगने की जरूरत नहीं है, तो मैं 5 टिकटों की पेमेंट करके 5 टिकट ले सकता हूँ। ठीक है जी। हाँ जी सर जो लास्ट सवाल है वो है, भगवती यात्री निवास में बस बुकिंग का लास्ट टाइम क्या रहता है? जी, लास्ट टाइम बस की बुकिंग के ऊपर है, भीड़ के ऊपर है। अगर भीड़ ज़्यादा है और 5 घंटे में ही सभी बसें बुक हो गई तो आपको टिकट नहीं मिल पाएगी, और अगर भीड़ बहुत कम है शाम के 6 बजे 7 8 9 10 11 बजे तक तो टिकट मिलता रहता है, अगर भीड़ कम है। अगर सीटें खाली है तो काउंटर पे बैठे रहते हैं वो लोग, अगर सीटें फुल होगी बस की तो काउंटर बंद करके उठ जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये भीड़ के ऊपर है, अगर भीड़ ज़्यादा है तो लास्ट टाइम कम हो जाएगा, भीड़ कम है तो लास्ट टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ताकि मोस्टली 5-6 बजे तक काउंटर बंद हो जाता है, क्योंकि शुरू शुरू के दिनों में, और बाद में तो 10-11 बजे भी मिलती है। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है। तो यही सवाल है। हाँ जी, यही सवाल। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, जब ये वीडियो डालेंगे आप तो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दीजिएगा, और किसी भक्त का अगर ऐसा कोई सवाल हो जो इस वीडियो में ना आया हो तो नीचे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी हमारी पूरी वीडियो की सीरीज आ रही है आगे, वो देखने से आपकी, अभी कुछ दिनों में पूरी सीरीज डालेंगे, वो देखने से आपकी मैक्सिमम यात्रा के सवाल जो है मन में सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की।